ब्लैक कोबरा से खेलना काम है विकास मोहता उर्फ मुन्ना भाई का। कल रात इस शख्स ने 12 बजे पकड़ा 6 फीट लंबा कोबरा सांप। त्योहारों का सीजन और सांपों का पुराना रिश्ता है, ऐसे में आज नाग देवता का दिखाई देना आम बात है। ऐसा ही नज़ारा जैसलमेर की लक्ष्मीचंद सांवल कॉलोनी में देखने को मिला। गत 2 दिनों से नाग देवता जितेंद्र अटवानी के घर का चक्कर लगा रहे थे। आज जैसलमेर के विख्यात स्नैक कैचर विकास मोहता उर्फ मुन्ना भाई ने इसे केवल 1 मिनट में पकड़कर नहलाया और बॉक्स में बंद कर दिया। मुन्ना भाई ने ब्लैक कोबरा को ऐसे पकड़ा जैसे वे खिलौनों से खेल रहे हो। 15 वर्षों से सांपों के साथ खेलते खेलते उनका सांपों का पकड़ना शौक बन गया। जैसलमेर में जहां कहीं भी सांप निकलता है वे पहुंच जाते हैं। मुन्ना भाई बताते हैं ब्लैक कोबरा दूसरे नंबर का जहरीला सांप है, पहले नंबर पर करेज सांप माना जाता है। वे विश्वास के साथ कहते हैं कि मैं कोई भी सांप को 5 मिनट के भीतर अपने वश में कर लेता हूँ और यही मेरी ज़िंदगी बन गई है। उनका मानना है सांप पर्यावरण के लिए अति महत्वपूर्ण है, उससे प्यार कीजिए, उसे मारे नहीं। मेरा नाम विकास मोहता उर्फ मुन्ना है। मैं जैसलमेर शहर में सिटी के सेंटर में रहता हूँ। आज सावल कॉलोनी में मैंने जीतू भाई के यहाँ सांप पकड़ा, लगभग 6 फीट लंबा। कहीं भी होता है, किसी के यहाँ भी होता है, तो मैं तो ट्रॉल किया जाता है, फ़ोन करते हैं तो मैं वहाँ बाई चाहता पहुँच जाता हूँ या उनके साधन वो लेके आते हैं तो उनके साथ में जाते सीधा। बिटवीन 5 मिनट के अंदर अंदर, आज तो फिर भी 8 मिनट लिया मैंने, बाकी नॉर्मल 5 मिनट लगता है। जैसा भी सांप हो, ब्लैक तो चाला सांप हो या बंडी हो, तो अपन लोकल भाषा में बोलते हैं। आज जो आपने सांप पकड़ा है रात को 12 बज रहे हैं और ऐसे समय में जो है वो आपने सांप पकड़ने आए हो, तो कौन सा सांप है ये? ये चाला सांप है, तो जिसे अपन अंग्रेजी में ब्लैक कोबरा कहते हैं। ये सबसे जहरीला सांप है, राजस्थान एरिया में दूसरे नंबर था। पहले नंबर था कैरेट, तो अपन पियूनिया कहते हैं, और दूसरा नंबर है ये ब्लैक कोबरा।